परसेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में 2% पॉपुलेशन उसमें 10% में तो और कम हो गया। तो उस हिसाब से कोई भी एक्टिविटी करना रहता है, जो कुछ कंप्यूटर करना रहता है कुछ, तो उसमें ईमेल आईडी का क्रिएशन तो प्रायर फॉरमोस्ट होता है। तो 5 साल पहले तक ये बैरियर था, हमेशा इंग्लिश में ही ईमेल आईडी बना सकते थे हम लोग। लेकिन आज कोई कंपनी आई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की है, शायद डेटा नेक्स्ट कंपनी इस तरह से, जो कि हिंदी में, इनफैक्ट हिंदी ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस, बंगाली, मराठी, 3 फॉरेन लैंग्वेजेस है उसमें। अरे वाह, रीजनल लैंग्वेज तो है ही, हिंदी है ही और इंग्लिश है, उसमें ईमेल आईडी बनाने का प्रोविजन है उसमें। ये एक उस दिशा में चल रही है, किया जा रहा है, योजना वगैरह का रिव्यू किया जा रहा है। और दूसरा है कि आपको मैं उसी से लिंक करके मैं इशू कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ कि कंप्यूटर की किताब इंग्लिश में ज़्यादा रहती है। इंग्लिश का ऑप्शन हिंदी या रीजनल लैंग्वेज करके कंप्यूटर का नॉलेज ग्रहण करना। सर, डिजिटल इंडिया का मेन फोकस कौन कौन सा? ये अच्छा सवाल है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उद्देश्य पता नहीं रहेगा तो जो भी आप बात कर रहे हो, तो वो काम कैसे होगा, वो प्रोसेस में कैसे आएगा, अचीव कैसे होगा? तो उद्देश्य को पहले फिक्स किया गया था। इसमें उद्देश्य जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली सरकार से तो कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो है गाँव वाले से और बच्चों से कनेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी है मेरे को कि उद्देश्य यही है कि वैसे शुरू होता है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाना और सस्ती, रिलायबल, विश्वसनीय कुछ कोटि का ब्रॉडबैंड गांव के लोगों के पहुंच मिलाना। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन, खासकर जो इन्फॉर्मेशन एरा कहते हैं हम इसको, जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, वो हर जन तक पहुंचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, वो पहुंच ही नहीं पाती है गाँव वालों, लास्ट ट्यूब पे जो खड़ा आदमी है उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक क्लिक पे सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांवों में अखबार नहीं आते, बहुत सारे गांवों में वो रेडियो शायद नहीं है या बहुत कुछ नहीं है। तो सरकार चाहती है कि इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे ही पहुंचे, उसका फायदा लेकर वो पढ़े जी। और जो चल रहा है हमारे देश में, जो सरकार योजना है, खासकर सरकार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार बहुत सारी योजनाएं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो योजना है। और अभी की सरकार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, वो चाहती है कि लोगों को बोल रहा है सिर्फ इतनी मोटी का इंटरनेट का बहुत यूजफुल इफेक्ट भी है और हार्मफुल भी है। तो एक दिन पहले बताया था सवाल पूछना, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम लोग किस कैसे इससे बच सकते हैं? हाँ, ये मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट मजा है बोले। बच्चे बहुत पेरेंट्स की शिकायत होती है, बहुत देर तक नेट पे बैठे बोले थे सर को कुछ काट दीजिए, सब काट दीगा, वेस्ट होता है, कुछ कुछ काट दीजिए सच में, या सच में सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चों इस संदर्भ में? न टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती है, न कंप्यूटर कुछ कर सकता है, ये तो सीधा जुड़ा हुआ है इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल के विवेक पे, अगर इंडिविजुअल माइनर है, एज में कम है, तो वहाँ घर में जो बड़े हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको ज्यादा कनेक्ट है। ये तो थोड़ा फिलोसफिकल साइकोलॉजी, ये तो घर में कैसा माहौल है वो उस पर डिपेंड ज्यादा करता है, क्योंकि हर चीज का प्लस और माइनस पॉइंट है। आप कुछ भी देख लीजिए, प्लस और माइनस, बच्चे गेम्स खेलने में इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ तो बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग पेरेंट्स है वो वहाँ दूसरा चीज हो जाता है। तो वो तो अपने ऊपर है कि कोई भी चीज का हम अपने हित में कैसे फायदा उठाएं। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि एक जब बड़ी चीज आपको मिलती है तो उसको कोशिश होनी चाहिए कि उसका उपयोग करें और उसमें हम आगे बढ़े। जी हाँ, तो कुछ विवेक आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ पूछा जा रहा है? सर, डिजिटल इंडिया का जो स्कोप है वो प्रायोरिटी है कि गूगल, बाहर का जो कंपनी है गूगल, तो क्या हमारे यहाँ का इंजीनियर्स को किस तरह से यह फायदा हो सकता है? अगर हमारे युवा इंजीनियर बन के बाहर जाके सेवा कर सकते हैं, वही युवा अगर यहाँ रह जाए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिले? कैसे कैसे? ये ब्रेन ड्रेनेज का मामला है, वो तो बहुत ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कारण से वो बाहर जाते हैं, वो कारण अगर यहाँ दे दिया जाए तो वो युवा यहीं रह जाएंगे और उसके बाद तो 20 साल के बाद सोने की चिड़िया हो जाएगी देश। और गूगल से जुड़े हुए सुंदर पिचाई जो है वो भारतीय कंप्यूटर के आने से मैन पावर जो है 2 करोड़ महीना, हमारा देश जो 125 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ, तो अपना बिहार में फर्स्ट हुआ था आईटी। सच में ऐसा है कि कंप्यूटर के आने से जो मतलब कह सकते हैं कि मैन पावर कम होता है या बेरोजगारी बढ़ती है, या क्या सच में है, ये सिर्फ मिथ है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें, सिर्फ मिथ है मेरे ख्याल से, क्योंकि
कंप्यूटर हमारे लाइफ को आसान और फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, इसका और आगे कोई औचित्य नहीं। तो अगर इस तरह से कंप्यूटर को यूज करेंगे कि 10 लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाए तो कंप्यूटर का क्या लाभ। तो ये तो शाश्वत सत्य है, कंप्यूटर कोई भी उपक्रम जो है वो हमारे फैसिलिटेट करने के, लाइफ को इजी बनाने के लिए किया गया है। और ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप तो ऑफिसों में भी सर इंटरनेट का बहुत यूज है, आप पंचिंग करते हैं फिर आपको नेट से देख सकते हैं कि कोई ऑफिस के कर्मचारी वहाँ पे हैं कि नहीं है, या बहुत सारी और चीजें में। क्यों पहले क्या होता था कि बहुत कुछ इधर उधर होता था, लेकिन अब बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? एक ओवरऑल प्रश्न ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं डिजिटली, अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं और कितना गोल हासिल करना है? पर्सनली मेरे से सवाल किया जाए, और एक दिन आएगा जब खुशहाली ही खुशहाली होगी, और बोला जाता है कि एक दिन भारत सबसे ऊपर, विश्व गुरु, अच्छे दिन आएंगे, सोने की चिड़िया। तो वैसी आशा रखनी चाहिए, तभी हम लोग उस दिशा में काम कर पाएंगे। आशा नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? नहीं, बिना आशा के तो जीवन संभव ही नहीं है। एक प्रश्न है विवेक पूछना चाह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। अभी सर आपने बताया कि डिजिटल इंडिया का बेनिफिट्स है, मुझे सर इसमें एक डिसएडवांटेज लगता है। हैबिचुएटेड जितने भी युवाएं हैं, जैसे कि वो फेसबुक चलाते हैं, नेट से हैबिचुएटेड हो गए, तो इसको ओवरकम करने के लिए सलाह क्या होगी? हाँ, एक संदेश जो मैंने पूछा कि आपने हालांकि बोला ये तो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन बहुत लोग एक जुड़ जाते हैं, दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं उन चीज़ों में, उनका फायदा बहुत कुछ नहीं पहुँचता, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ऐसा स्पेस दिया जाए कि वो सोचे। और ऐसी बात नहीं, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो बाय डिफॉल्ट अच्छा ही करना चाहता है, अच्छा होता है। तो अगर सोचने का मौका दिया जाएगा, खासकर बच्चों को, तो वो सही ही सोचेंगे, और जब उनकी वो आदत नहीं बनेगी तो बाकी बाद में कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। हाँ, तो इसमें एक बात निकल कर जो सामने आई यही है कि अगर आप हैबिचुएटेड ना हो, आप उसका सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें उन चीज़ों को, क्योंकि आपके पास एक ऐसा तंत्र है जो शायद 20 साल पहले लोगों के पास नहीं था। आज आप बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत जगह खबरें आसानी से एक क्लिक में प्राप्त कर लेते हैं, विकिपीडिया पे सब कुछ पढ़ लेते हैं, गूगल बाबा आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो बहुत कुछ है। हैबिचुएटेड होने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं से कि और जो पाठ्यक्रम है उसका भी आप फॉलो करें, उसके साथ एड ऑन करके आप आगे बढ़े जीवन में अपने करियर में। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे। यस, सारे लोग सेटिस्फाइड है सर, बहुत ही उम्दा। आप लोग सेटिस्फाइड? मैं भी सेटिस्फाइड। और हमारे दर्शक भी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि भाई इतने अच्छे एक्सपर्ट और इतना अच्छा प्रश्न आप लोगों ने पूछा, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सर। और कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकला है कि डिजिटल इंडिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी बदलेंगे, युवा भी बदलेंगे। और जो डिजिटल के साथ जो एक बात निकल कर आई है वो ये है कि हम डिजिटल इंडिया में जरूर आगे बढ़ें, लेकिन अपना जो पाठ्यक्रम है उसको भी साथ लेकर चलें, तभी हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन आज डिजिटल इंडिया एक सशक्त माध्यम है सारे लोगों का, और आप युवाओं से आप युवाओं से अनुरोध है कि अभी यूज करें, लेकिन हाँ सदुपयोग करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, युवाओं को जो दे अलग पहचान, उस कार्यक्रम का नाम है उड़ान। नमस्कार। तो दूरदर्शन फिल्म।